Hello students, good morning. Today we shall learn about a happy child. Unit number 1 and part 2, standard 1st, subject English. Everybody look here in page number 2nd. Okay. Read and match the words with the pictures and draw a line. यहाँ पर दो एक बॉयज और एक गर्ल्स का पिक्चर है. आई एम अ बॉय एंड आई एम अ गर्ल्स. बी ओ वाई बॉय एंड जी आई आर अ गर्ल. फाइंड आउट हु इज बॉय एंड हु इज गर्ल. यहाँ पर हमें ट्रेस करना है लाइन. कैसे करना है? ट्रेस. ओके, आप लोग भी कर लो अपनी बुक्स के अंदर. उसके बाद नेक्स्ट है फन विथ कलर्स. फिल इन द बॉक्स विथ द राइट राइट कलर्स. फर्स्ट है व्हाट इज द कलर ऑफ द हैप्पी चाइल्ड्स हाउस. हैप्पी चाइल्ड्स जो था उसका घर का कलर कौन सा था, उसका हाउस का कलर कौन सा था. एवरीबडी लुक यार, यहाँ पर रेड बताया है ना, तो आप भी यहाँ पर क्या लिख करोगे? हैप्पी चाइल्ड्स का उसका घर का कलर कौन सा करोगे? रेड करोगे. नंबर सेकंड, व्हाट इज़ द कलर ऑफ योर हाउस. आपके घर का कलर कौन सा है? मेरे घर का कलर ग्रे है, तो मैंने यहाँ पर ग्रे किया है. आपका घर हाउस का कलर जो भी है वो आप यहाँ पर फिल कर सकते हो. नेक्स्ट है व्हाट इज़ द कलर ऑफ द ट्री. मोस्ट ऑफ ट्री का कलर कौन सा रहता है? ग्रीन, तो आप हमें यहाँ पर ग्रीन कलर करना है. व्हाट इज़ द कलर ऑफ द सन. सन का कलर कौन सा है? यहाँ पर येलो मैंने बताया, और आप भी यहाँ पर येलो कलर बताना. नेक्स्ट है लेट अस टॉक. इज देयर अ ट्री ग्रोइंग नियर योर हाउस. आपके आजू बाजू में बहुत सारे ट्री ग्रो हुए होंगे, तो यहाँ पर देख लो तो कौन कौन से ट्री है. वो बिग है, कोई बिग ट्री होगा और कोई स्मॉल ट्री होगा. ओके, तो नेक्स्ट है कि डू यू लाइक द ट्री. What is the name of the tree? Yes, I like the tree and it is a name tree. और ये जो यहाँ पर tree बताया है वो कैसा है? Tree है या plant है या creepers है, लेकिन ये तो big tree है. Okay, it is a big tree. Next, यहाँ पर page number 3. There are many kinds of house. Circle the ones you have seen. यहाँ पर बहुत सारे हाउस बताए हैं. हट है, इग्लू है, फ्लैट है और बंगलो है. तो जो आपने जो हाउस देखे हैं उसके ऊपर हमें सर्कल करना है. हमने हट को देखा है तो हमने हट पर किया है. इग्लू है वो हमने देखा नहीं है, इसलिए हम इसके ऊपर सर्कल करेंगे नहीं. फ्लैट है वो हमने देखा है तो हम इसके ऊपर सर्कल करेंगे. फिर बंगलो है तो बंगलो भी हमने देखा है तो हम इसके ऊपर भी सर्कल करेंगे. उसके बाद है नेक्स्ट, ड्रॉ योर हाउस हियर एंड टॉक अबाउट इट. हमें यहाँ पर एक हाउस ड्रॉ करना है, तो हमें हाउस हाउ टू यूज ऑफ आवर हाउस. हमें हाउस किस लिए, हम हाउस में क्यों रहते हैं, हाउस हम किस लिए है? तो हाउस इज़ द प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट कोल्ड एंड रेन एंड इट इज़ प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द रोबर्स एंड थीप्स. हमें यहाँ पर एक हाउस ड्रॉ करना है, जो इससे पहले हम ट्रायंगल करेंगे, फिर उसके बाद दो रेक्टेंगल करेंगे, रेक्टेंगल फिर यहाँ पर एक स्क्वायर करेंगे, फिर छोटा सा और एक रेक्टेंगल जैसा स्क्वायर, फिर यहाँ से ऐसे एक रोड बनाएंगे, फिर जो विंडो है विंडो पर भी हम ऐसे दो लाइन खींचकर, फिर ऐसे एक स्लिपिंग लाइन थोड़ा छोटी सी खींच लो, ऐसे विंडो बन जाएगी और हमारा जो हाउस है वो बन जाएगा. फिर उसके बाद है नेक्स्ट के हाउ डू यू फील. तो ये हैप्पी फेस है और ये सैड फेस है. ड्रॉ एंड से व्हेन. नंबर 1 है व्हेन यू गेट ए न्यू ड्रेस. अगर आपको किसी ने नया ड्रेस खरीद के दिया तो आप हैप्पी रहोगे या सैड? हम खुश हो जाएंगे ना, तो हम लिखेंगे, हम यहाँ पर हैप्पी फेस ड्रॉ करेंगे और लिखेंगे HAPPY हैप्पी. नेक्स्ट है When you get a hurt, अगर आपको किसी ने किसी भी प्रकार का कुछ दुख पहुँचाया या आपको किसी ने मारा या कुछ भी किया, तो आप कैसे हो जाओगे? sad. तो ये दुखी फेस है, तो हमें यहाँ पर ऐसे डिसाइड
कि यहाँ पर दो सेड लिखना है। फिर नेक्स्ट है कि व्हेन यू शेयर योर थिंग्स, अगर आपको किसी ने कुछ जो थिंग्स है वो आपके साथ शेयर किया, जैसे कि किसी ने आपको उसके पास अगर 4 चॉकलेट है तो आपको 2 चॉकलेट दिया, किसी ने आपको थोड़ा सा नाश्ता दिया, कुछ भी ऐसे उसकी जो चीज़ है वो आपको शेयर किया, तो आप कैसे हो जाओगे हैप्पी, HAPPY, हैप्पी, तो हम यहाँ पर हैप्पी फेस ड्रॉ करेंगे। फिर नेक्स्ट है कि व्हेन यू आर इल, अगर आप बीमार पड़ जाओगे, आपको बुखार आ गया, सर पे दर्द हो, पेट में दर्द हो गया, तो उस पे और पेन होने लग गए, तो हम कैसे हो जाएंगे, सैड हो जाएंगे, तो दुखी हो जाएंगे, तो हमें यहाँ पर दुखी फेस ड्रॉ करना है, सैड, SAD, सैड। ओके, बस आज के लिए सिर्फ हम इतना ही रखते हैं, कल फिर से हम एक आपको नए वीडियो के साथ मिलेंगे आपको, तब तक के लिए।